दोस्तों, क्या आप भी लॉक रूम में हाइड आईडी लगाना चाहते हैं और चुपके से सुनना चाहते हैं किसी के सॉन्ग या किसी की चैट? गाइज, यहाँ पे गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे गाइज, अगर रूम लॉक भी होता है या अगर आपकी आईडी जो है ऑनर रिमूव भी कर देता है, तो भी आप जो है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है सारी चीज़ें सुन पाएंगे। गाइज, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, तो इस ट्रिक का बिल्कुल भी मिसयूज नहीं करें, नहीं तो चैनल बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप सबके रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सबसे पहले गाइस, जहां भी आपको जो है डाउट हो कि भाई इस रूम में जो है आज चैटिंग होगी या यहां पे लोग चैट करते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस रूम में चले जाना है जब वो रूम ओपन हो। यानी अगर वो रूम ओपन है तो आप वहां पे जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको एक ओपन रूम में ही जाना है, यानी लॉक रूम में आप स्टार्टिंग में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले जो है, जो भी रूम लॉक नहीं हो उसमें आपको चले जाना है। तो जैसे यहां पे एक मल्टी मोड रूम है हमारे फ्रेंड्स का ही है, यहां पे मैं सबसे पहले इसमें चला जाता हूं और आपको यहां पे दिखाता हूं कैसे क्या कुछ करना है। तो यहां पे सबसे पहले मैं इस आईडी से ज्वाइन हूंगा जो आईडी मुझे हाइड करनी है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि सारी चैटिंग्स यहाँ पे चल रही है, लोग चैट कर रहे हैं। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं कि हमारी आईडी जो है एंटर हो गई है, और मेरी आईडी कौन सी यहाँ पे मैंने एंटर कराई है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने हाई लिख के मैसेज यहाँ पे मैंने जो है एस वेट लिखा है। अब गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो टेक्नोरेंज YT की मेरी आईडी है, सेकंड आईडी मेरी, मैंने यहाँ पे इसको लगाया है। अब मैं अपनी दूसरी आईडी एडमिन वाली भी यहाँ पे लेके आऊंगा, और एडमिन वाली आईडी मैं इसलिए लेके आऊंगा ताकि गाइज आप लोगों को यहाँ पे जो है मैं सारी चीजें दिखा सकूं, क्योंकि मेरी एक आईडी जब वो निकल जाएगी तो फिर मैं आप अंदर रूम में क्या क्या कुछ करना है वो सब मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इसलिए मैं यहाँ पे एडमिन की आईडी ला रहा हूँ। आपको एडमिन की आईडी लाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल उसी आईडी को ले जाना है जो आईडी आपको यहाँ पे जो है गाइज हाइड करनी है। तो यहाँ पे मेरी दो आईडी आ चुकी है, एक एडमिन वाली आईडी है मेन आईडी, और एक यहाँ पे हमारी सेकेंड आईडी है। अब गाइज जिस भी आईडी को आपको रूम में हाइड करना है और लोगों की बातें सुननी है गाइज, तो आपको क्या करना होगा, उस आईडी पे आ जाना है। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे मैं इस आईडी पे आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पे रूम में जो टोटल मेंबर्स हैं उस वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपके नाम के आगे आपका फैमिली टैग दिख जाएगा। आपको सिंपली फैमिली टैग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो आप अपनी फैमिली में एंटर कर जाएंगे। इसके बाद में आपको टास्क वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे एक टास्क मिल जाएगा, पोस्ट अ कवर और पिक्चर। गाइज ये वाला टास्क आपको नहीं करना है, यानी जिस भी आईडी पे आपको आईडी हाइड करना है वो आपको उसका आपको ये वाला टास्क नहीं करना है। इसमें गो का ऑप्शन यहाँ पे जो है शो करना चाहिए। अब जैसे ही गो के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी सक्सेसफुली यहाँ पे बाहर आ जाएगी। लेकिन गाइज अब आपकी आईडी यहाँ पे रूम में जो है फंस चुकी है। अब ये चाहे मेरी आईडी को रिमूव करें, रूम लॉक करें, कुछ भी करें, मेरी आईडी जो है गाइज यहाँ पे रहेगी हमेशा और हमेशा। भले ही अगर मुझे रिमूव कर देंगी तो यहाँ पे जो है हमारी आईडी दिखेगी नहीं, लेकिन वो रहेगी रूम में, यानी हम इनकी यहाँ पे जितनी भी चैटिंग से वो सुन सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेन आईडी से इनको मैसेज कर दिया है कि रिमूव माई आईडी। अब गाइज यहाँ पे जो ऑनर है इसकी, ये जो है मेरी आईडी को रिमूव करेंगी, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे एडमिन वाली आईडी लेके आया था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कैसे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे ये रिमूव करेंगी, रिमूव फॉर एवर या रिमूव फॉर 7 days, आप आईडी जैसे बैन करते हैं सेम वैसा ही प्रोसेस कोई भी करेगा आपके साथ में, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई चैट करेगा तो सबसे पहले जो आईडी लगी हुई है उसको रिमूव करेगा, उसके बाद में रूम को लॉक करेगा। तो यहाँ पे गाइस जो है अब हमारी आईडी को ये रिमूव करेंगे और रूम को लॉक भी करेंगे। देख सकते हैं मेरी आईडी सक्सेसफुली सेकंड वाली रिमूव हो चुकी है, देख सकते हैं गाइस। तो रिमूव करने के लिए आईडी यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे जा करके देख सकते हैं, यहीं से आपकी जो है आईडी हम रिमूव करते हैं। लेकिन गाइस ये कुछ भी करें कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, यानी हमारी आईडी रहेगी तो रहेगी। अब गाइस यहाँ पे मैं चलूंगा सीधा सीधा इस अपनी एडमिन वाली आईडी को निकाल दूंगा रूम से, और आपको दिखाऊंगा इनकी चैटिंग हमें सुनाई देती है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे मैं एडमिन की आईडी जो है यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको लिख दिया है कि आप लोग जो है तेज तेज यहाँ पे बात करिए ताकि जो है हमें आवाज़ सुनाई दे। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है। अब चलिए मैं फाइनली अपनी ये वाली आईडी मेन आईडी जो है रूम से निकाल देता हूँ, और अपनी जो सेकंड आईडी मेरी जो रूम में फंस चुकी है आईडी, उस आईडी पे चलता हूँ, आपको सुनाता हूँ कि आवाज़ जो है सुनाई दे रही है या नहीं। और मेन आईडी को मैं यहाँ पे बैकग्राउंड से भी क्लियर कर दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि मेरी मेन आईडी जो है वो रूम में लगी हुई है। अरे तेज बात करो कुछ तो बोलो। और खुशी आपने और देख सकते हैं गाइस ये आईडी हमारी निकली हुई है, तब भी हमारा जो है यहाँ पे आ रहा है। अगर रूम को लॉक भी कर देते हैं तो भी गाइस यहाँ पे हमारा, अब मैं आपको यहाँ पे इनको बता देता हूँ कि रूम को लॉक करने का, यहाँ पे गाइस मैं फिर से चलूंगा दान नहीं और यहाँ पे चैट रूम में फिर से आ चुका हूँ बिना दान के। गिर जाएगा नहीं, सब्जी अलग है ना। यहाँ पे अभी देख सकते हैं एनीवन पे लगा हुआ है, रूम को लॉक भी कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव करके। एक्चुअली ये मेरी बेटी मेंबर्स हाँ। अच्छा, मतलब असली ना फैमिली मेंबर्स।
अच्छा मैंने फैमिली मेंबर्स भी डाल दिया था। अरे वाह, देख सकते हैं फैमिली मेंबर्स ओनली पे गाइस लग चुका है, रूम अभी यहाँ पे लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे गाइस मैं अपनी आईडी को यहाँ पे निकाल लूंगा फिर से, देख सकते हैं फिर भी हमारा यहाँ पे जो है चैटिंग चल रहा है गाइस, देख सकते हैं इस इसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड से क्लियर भी कर दिया है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गाइस काम करती तो मैं बाहर जाना है। यहाँ पे गाइज आप ब्लॉक लिस्ट भी देख सकते हैं, मेरा जो आईडी यहाँ पे ब्लॉक है। अब गाइज यहाँ पे ये कुछ भी करें, अगर मुझे जो है रूम से भी निकाल दें या जो है अपना रूम लॉक भी कर दें या रूम को सोलो भी कर देंगी, सोलो करेंगी वहाँ पे सिंगिंग करेंगी तो भी मुझे सुनाई देगा, अगर सोलो करके अगेन से मल्टी करेंगी तो भी मुझे सुनाई देगा, जब तक कि मैं यहाँ से बैकग्राउंड से जो है अपनी आईडी को क्लियर नहीं करूँगा। बस आपको दो गलती नहीं करनी है, एक तो आपको किसी और रूम में नहीं जाना है, नहीं तो किसी और रूम में जाएंगे तो आपकी आईडी निकल जाएगी, और आपको यहाँ पे बैकग्राउंड से अपने एप्लीकेशन को क्लियर नहीं करना है। बाकी आप कुछ भी करें गाइस आपको यहाँ पे इनकी चैटिंग्स जो है सुनाई दिया करेगी। तो यही था कुछ आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब भी कर दें, मिलते किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसे ही कमाल के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।